एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं MSc सेकेंड सेमेस्टर के इकोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें हमने दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डेंसिटी और डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा है। आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ नेटेलिटी एंड व्हाट इज़ मॉर्टेलिटी, क्योंकि इससे इस पर शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर करके आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या आपके CSIR नेट के एग्ज़ाम हो गए, गेट के एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पे इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ मॉर्टेलिटी एंड व्हाट इज़ नेटेलिटी। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताया था, जिसमें से हम लोग दो चीज़ें कवर कर चुके हैं, डेंसिटी एंड डिस्पर्जन, और आज बारी है नेटेलिटी जानने की और मॉर्टेलिटी की जानने की। ठीक है, इसके आगे हम लोग लाइफ टेबल वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज तो हम लोग नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में और उसके बाद लाइफ टेबल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ नेटेलिटी। नेटेलिटी को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? जन्म दर। किसी चीज़ का जन्म दर क्या है, मतलब कि जो बर्थ हो रहा है उसकी रेट क्या है, उसके बारे में जानना क्या कहलाता है नेटेलिटी। और मॉर्टेलिटी की बात की जाए तो वहाँ पे मृत्यु दर की बात की जाती है। ठीक है, नेटेलिटी में हम लोग जानते हैं किसकी किसी एरिया में या किसी पर्सन में पर कितना बर्थ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में किसी पर्सन का बर्थ। ठीक है, जैसे आपका भी बर्थ हुआ होगा तो उस बर्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेटेलिटी कहते हैं। ठीक है, एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको नेटेलिटी बोला जाता है। इसमें आगे और वर्ड हम लोग फर्टिलिटी और फिकंडिटी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन बेसिक टर्म जो यूज़ किया जाता है जन्म दर के लिए वो क्या होता है, नेटेलिटी रेट, नेटेलिटी रेट। ठीक है, नेटेलिटी रेट क्या होता है या बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, जन्म दर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम। कोई फीमेल, ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब एक टाइम पे, जैसे कि हर एनिमल का एक टाइम होता है, जैसे ह्यूमंस में क्या है कि 9 मंथ के बाद जो है बेबी होता है, या उसका एक टाइम है कि आप कितना बेबी करना चाहते हैं, 1, 2, 3, इस तरीके से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नेटेलिटी रेट की बात करी जा रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कोई फीमेल कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, कितने नंबर ऑफ बेबीज़ को प्रोड्यूस करती है, जन्म देती है, उसे क्या कहते हैं, नेटेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेटेलिटी रेट कैन बी काउंटेड ऑन पर इंडिविजुअल कॉल्ड पर कैपिटा। इसको किस में काउंट किया जाता है, पर इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन को लेके, कहीं भी इंडिविजुअलिटी की बात की जाए तो वहाँ एक पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पर कैपिटा भी कहते हैं, अथवा और पर 100 इंडिविजुअल में पर क्रूड पॉपुलेशन। ठीक है, अब क्रूड डेंसिटी के बारे में और इकोलॉजिकल डेंसिटी के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, तो वहाँ पे बताया था क्रूड डेंसिटी का मतलब जहाँ पे पूरी एरिया में रहा जाता है, इकोलॉजिकल डेंसिटी को बताया था जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया लोग बनाते हैं वहाँ रहते हैं। तो जब यहाँ पर 1000 इंडिविजुअल की बात की जाएगी तो उसे पर क्रूड पॉपुलेशन कहा जाएगा। आप प्लीज़ मेरे शॉर्ट फॉर्म को समझ जाइएगा, ये मैंने पॉपुलेशन लिखा है। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने नोट्स में, तो आप समझ सकते हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होगी ही। तो चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज़ मैक्सिमम ऑब्सोल्यूट फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी। ठीक है, मैक्सिमम या ऑब्सोल्यूट या फिजिकल नेटेलिटी कैसे कहते हैं, ठीक है, इज़ द थियोरेटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये थियोरेटिकल मतलब थियोरी में मैक्सिमम नंबर कितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए हैं किसी के द्वारा एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एब्सोल्यूट मतलब करेक्ट, या फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है ये कितना, उस वो नेटेलिटी क्या है, उसे क्या बोला जाता है, थियोरेटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में कितने जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज़ इसका मतलब दैट इज़ नंबर ऑफ इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है,
सॉरी नो इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर, मतलब यहाँ पे कोई भी इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर नहीं, इकोलॉजी आपको लिमिट नहीं कर रही है, आप जितना चाहे उतना बर्थ दे सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, ये किसी गिवन पॉपुलेशन के लिए कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी बैरियर की बात नहीं की जा रही है कि आपको जैसे ये बैरियर रोक रहा है कि नहीं आपको इतने ही चाइल्ड को बर्थ देना, जैसे प्रेजेंट टाइम में बैरियर लग गया है कि टू चाइल्ड पॉलिसी आ गई है कि आपके दो ही बच्चे होने चाहिए वरना आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो इस ये क्या है, एक बैरियर आ गया है कि मतलब आप केवल दो ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम या एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी में ऐसा कोई इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं है, यहाँ पे आप जितने चाहें उतने बच्चों को बर्थ दे सकते हैं। और इसका पॉपुलेशन का जो एरिया है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात की जाए इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नेटेलिटी की, इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नेटेलिटी की, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड अंडर एक्चुअल या स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पे एक्चुअल या स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो चाइल्ड बर्थ लेता है उसकी बात की जाती है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट नहीं होता है, बट मे वेरी विथ साइज एज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन ये क्या करता है, साइज के साथ एज के साथ या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कंपोजिशन किस तरीके से है, उस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन हो सकता है। ये क्या है, रियलाइज्ड। अब रियलाइज्ड नेटेलिटी का मतलब, रियलाइज्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नीच पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको दो नीच के बारे में बताया था, ठीक है, फंडामेंटल नीच एंड रियलाइज्ड नीच। तो रियलाइज्ड नीच क्या था, एक्चुअल नीच था। तो यहाँ पे एक्चुअलिटी की बात की जा रही है कि एक्चुअल में पॉपुलेशन जो है इन्वायरमेंटल में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है, उस कंडीशन की बात की जा रही है। जबकि ऊपर जो हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी के बारे में पढ़ा, वहाँ पे वो आप थियोरेटिकली सोच सकते हैं, थियोरेटिकली एक हाइपोथेटिकल सोच से बता सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअलिटी जिसको रियलिटी कहते हैं, रियलिटी की बात आपकी की जाए तो वो इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड नेटेलिटी बताती है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं व्हाट इज़ रियलाइज्ड नीच एंड व्हाट इज़ रियलाइज्ड नेटेलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप देख सकते हैं, जिसे नेटेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको नंबर ऑफ बर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में कितने बर्थ हुए उसको आप डिवाइड कर दीजिए एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कितने एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, इनटू टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में ये हो रहा है, ठीक है। क्या नेटेलिटी को किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, कि नंबर ऑफ बर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोगों मतलब जो है बर्थ हो रहा है, या उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कितने एवरेज में, एक मान लीजिए एवरेज की 100 का एवरेज है, ठीक है, उसमें से 90 ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो रहे हैं, और टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड में हो रहे हैं, इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप नेटेलिटी रेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है उसको, पहला है आपका फीकंडिटी, दूसरा है फर्टिलिटी। हम लोग जानेंगे फीकंडिटी को, जिसे फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी के बारे में पढ़ा और फिजियोलॉजिकल रियलाइज्ड नेटेलिटी के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से होता है, फीकंडिटी फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी है और फर्टिलिटी जो है वो रियलाइज्ड नेटेलिटी है, यहाँ पे एक्चुअलिटी की बात की जाती है। फीकंडिटी में क्या होता है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर आइडियल कंडीशन, मतलब कि एक आइडियल कंडीशन में कोई मदर कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, उसे फीकंडिटी, मतलब आप जब तक आपका एक टाइम ऑफ पीरियड है, जब तक आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, मतलब आप तब तक बच्चे करिए, मतलब हर ईयर या जो भी एक क्राइटेरिया है, या किसी भी जो है कोई, और आप लैब में, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लेबोरेटरी स्टडी ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट मतलब लेबोरेटरी में आप एक इंसेक्ट से कितने भी पेस्ट बनाते जाइए, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी है, ठीक है। फॉर ह्यूमन फिकंडिटी इन वन बर्थ पर 10 मंथ फीमेल चाइल्ड बींग एज, मतलब हर 10वें मंथ पे आप एक चाइल्ड को बर्थ दीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी फीमेल के लिए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है, आपकी फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी है, जिसे फीकंडिटी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको फीकंडिटी और फर्टिलिटी में डिफरेंस पूछ लेता है।
सेकंड की बात की जाए तो सेकंड है आपका फर्टिलिटी, ठीक है। तो फर्टिलिटी क्या कहता है? फर्टिलिटी एक रियलाइज्ड नेटलिटी, इसमें एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल जो रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस है उसकी बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि हर 10वें महीने पे एक चाइल्ड को बर्थ देना है, इस तरीके का नहीं है। यहाँ पे फॉर ह्यूमन द फर्टिलिटी रेट नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर वुमेन ऑफ अ चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। आपका जब मन है, ठीक है, जब आप चाहते हैं तो आप कंसीव करें, ओके। इसे क्या कहते हैं, फिकंडिटी। फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन मच लोअर देन फिकंडिटी। फर्टिलिटी क्या होती है, फिकंडिटी से बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि फिकंडिटी में क्या हो रहा है, हर 10 मंथ पे चाइल्ड को बर्थ देना है, ये एक आप क्या कह सकते हैं, थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, वो है फर्टिलिटी, ठीक। तो होप आपको फिकंडिटी और फर्टिलिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और पीछे से आपको याद भी आ गया होगा कि व्हाट इज रियलाइज्ड एंड फंडामेंटल निच, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे मॉर्टेलिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉर्टेलिटी रिलेटेड होता है डेथ से। तो यहाँ पे डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में किसी इंडिविजुअल की डेथ को क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी, और उसकी दर को क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड इन अ गिवन टाइम, एक गिवन समय में कितने लोगों का डेथ हुआ उसे हम मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। मिनिमम मॉर्टेलिटी क्या होती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट फॉर पॉपुलेशन, रिप्रेजेंट लॉस अंडर आइडियल या नॉन लिमिटिंग कंडीशन। मिनिमम का मतलब कॉन्स्टेंट होता है कि इतने लोगों का ही डेथ हुआ है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है लॉस या अंडर आइडियल या नॉन लिमिटिंग कंडीशन। लॉस को रिप्रेजेंट करता है कि बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई। अब जैसे मान लीजिए, अब मॉर्टेलिटी रेट अगर कम हो जाए किसी भी पॉपुलेशन में, और उसका जो जो पॉपुलेशन अब बढ़ता जाए, तो वो क्या करे, कोई भी चीज़ अगर जो अगर ज़्यादा होने लगे तो वो क्या होता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। अभी है अति की भली न सोचनी, अति की भली न धूप, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा सोचना अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा धूप अच्छी होती है। तो उसी तरीके से मिनिमम मॉर्टेलिटी अगर हो जाए, एकदम कम मृत्यु दर हो जाए, तो भी तो क्या होगा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी कि वो अंडर कंट्रोल हो जाएगी। जैसे अब इंडिया की ही पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल हो रही है, क्योंकि अब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी की, वो क्या होता है, इसे रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट वेरिएंस लॉस ऑफ इंडिविजुअल अंडर गिवन एनवायरमेंट कंडीशन, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर लॉस हो रहा है। मॉर्टेलिटी रेट को भी जो काउंट करने का एक तरीका होता है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसमें नंबर ऑफ डेथ देखते हैं, और टोटल ऑफ टाइम एट रिस्क ऑफ डेथ ऑल इंडिविजुअल, और टोटल टाइम को देखते हैं। जबकि नेटलिटी में क्या हो रहा था, वहाँ पे पहले नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले रहे थे और नीचे एवरेज को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डेथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एट रिस्क ऑफ डेथ ऑल इंडिविजुअल। तो इसे आप मॉर्टेलिटी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप गाइस आपको नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।